हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे। इधर देखिए, मैं इतना ढेर सारा भुट्टा लेके आई थी, आपको पता है। मैं सोची अभी किटो आएंगे, मतलब शाम के समय क्या होता है, छत टेरिस पे जाते तो मैं उन लोग के लिए भूज उज के देती, खाते आराम से। लेकिन वो लोग रुके नहीं, चले गए। एक ही दिन थे, मैं सोची आएंगे तो एक दो दिन रहेंगे, एक दो तीन दिन तक, लेकिन नहीं रुके। तो आज भी नहीं ध्यान आया। अभी मैं किचन में गई, मुझे ध्यान आया तो एक आर्यन से भुजवाई तो आधा आ जा। ये लोग से बोल रहे खा लो, बोले नहीं खाएंगे, हमको नहीं खाओगे तो चलो मेरा छील दो। तो इधर देखो, ये तीनों मूर्ति को बैठ के छील रही हैं। मैं इधर बैठ, लो थोड़ा थोड़ा खा लो, लो खाओ। मैं इन लोग को छील छील के खिला रही थी, तो खा लो। मैं जाऊँ बर्तन धो लो और तुम लोग छील। इसका क्या बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब्जी इसका सब्जी बनता है। हाँ, इधर इसका सब्जी बनता है जो बनाता है। कैसे बनता है? सब्जी नहीं बनती, इसको बॉईल करके बहुत अच्छे से करते हैं। लनन्या, इसको क्या बोलते हैं, बॉईल करके नहीं तो जला के इस पे नींबू लगा के खाओ, मजा अच्छा लगता है ना नींबू डाल के। मैं सोची थी यार, लेकिन नहीं तो इसको लोग चले गए, अब इतना मैं क्या करूँ, मुझे याद नहीं। तो एक और आइडिया है, इसको धूप में सुखा के बाद में इसको तेल में डाल के पॉपकॉर्न बना दो। हाँ यार, ये लगता है ना, पॉपकॉर्न बना के एक बॉटल में भर के चल जाना मूवी देखने, पैसे भी बच जाएंगे। वो क्या है ना, वो लोग देख लेते तो नहीं देखते ना, पॉपकॉर्न नहीं ले जाने देते, तो आप लोग ऐसे कर लेना। हाँ, वो लोग नहीं, थिएटर नहीं। लो, अरे आप भी खाओ, लो खाओ, लो खाओ, ले ना, खाई। The next morning. Hey guys, सुबह तो गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्ते भी। हम सुबह हो गई है, मैं आ गई हूँ बच्चों को किचन में टिफ़िन बनाने। और टिफ़िन में आज मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ बैक कैमरे करके दिखाती हूँ। बच्चे लोग नहा रहे हैं, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, रात को मैंने इसको बच्चे लोग ऐसे छिलवा के रख दी, आधा इधर बनाए हैं, आधा रखी हूँ। आधे तो मैं जैसे अपने गांव की भाषा में बोलते हैं ना घुघरी, तो मैं इसका घुघरी, इसमें मिर्चा का तड़का दी हूँ, नमक डाली हूँ, काली मिर्च का, जीरा और मिर्चा का तड़का दी हूँ, और नमक स्वादानुसार काली मिर्च कूट के डाल दी हूँ। बस ऐसे ही हम लोग अपने गाँव में बनाते हैं, और इसलिए मैं भी यहाँ ऐसे कैसे बनाने का तरीका जिसका बहुत है। टमाटर वमाटर डाल के बनाओ, मैदा और एक होता है आला दो सब डाल के बनाओ, लेकिन ये सब बच्चे खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने सादा ही घुघरी इसका बना दी। आज की टिफिन मेरी है, और इधर दूध और वो वीवो के देख रहे हैं गैस, दूध रखी थी, कितना दूध मेरा गिर गया, बह गया है, बह के कहाँ तक गया देखो, पूरा किचन से दूध दूध अब पानी आएगा तो मैं मीटर क्लीन करूँगी 8 बजे तक, कैसे मेरा किचन रहेगा। आज न रोटी, न पराठा, न सब्जी, न कुछ, बस यही कॉर्न बना रही हूँ, और बच्चे लोग को टिफिन में यही दूँगी। तो सही है कि नहीं है? और बाथरूम में है, आर्यन रेडी हो रहे हैं, तो मैं किचन में हूँ। चलिए बने रहिए, मिलती हूँ कुछ देर के बाद। A few moments later. हे गाइस, शाम के समय हो गए हैं, शाम के क्या बज रहे हैं घड़ी में, 4 बज रहे होंगे। और इधर देखिए, मैं लेटी थी, देखिए आज थोड़ा सा बेड में आगे घसका दी, चादर भी पूरा निकल गया है, क्योंकि ना ये जो हमने ये पर्दा मंगाया है ना, पर्दा मंगाया है, उधर देखिए बैक कैमरे करके दिखाती हूँ। ये देखिए ड्रिल मशीन आया हुआ, इधर सब फैला हुआ है, तो उधर आप देखेंगे, देखिए वो दिख रहा है ना, दीवार इतना खोखला है कि पर्दा लगा रहे थे उसमें पूरा एकदम फिसल गया है, तो सारा इधर थैली में पर्दा है, ड्रिल मशीन इधर रखा हुआ है, और सब कुछ अभी देखो शाम को ड्रिल मशीन ला के उसमें लगाएंगे, और आर्यन खुश हो रहे हैं, ये सो रहे हैं, मैं बोली चादर ठीक है, चलो मम्मी अभी सो के उठता हूँ तो चादर ठीक होगा, ये सो रहे हैं, मैं ऐसे ज़मीन पे लेटी थी।
अभी मुझे जाना है मार्केट और लग गया है पितरपक्ष। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घर में पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मम्मी को अभी फ़ोन लगा के बात कर लेती हूँ पूजा करने से। तो बंदा को फ़ोन लगा के बोली कि बात कर, अरे सॉरी, पूजा कर सकती हूँ। तो बोली कि हाँ, क्या हुआ है, पूजा करने में पूजा कर सकती हूँ पितरपक्ष में, जैसा रहता है कि जैसा वो बताई है तो उसी तरीके से पूजा करने का। खाना पीना हम लोग खा लिए हैं। आर्य ट्यूशन गया है। तो गाइस, हम लोग जो लोग अच्छे होते हैं ना, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और इधर देखिए, आर्यन को आजकल आदत लग गई है नमकीन के साथ दाल और चावल खाने का। खीरा है, बोली खीरा काट के दे देती हूँ खा लो, तो बोले नहीं। सुबह से था थोड़ा सा टेंशन में दिमाग था, क्योंकि आप किसका एक लोग का कमेंट आया था, क्या एक लोग का क्या कि यही क्या तुम्हारा किट्टो के भरोसे तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है। ऐसा क्यों बोलते हैं किट्टो? किट्टो हमारी दुश्मन है, हमारी बहन है ना। आपकी अगर से आपकी बहन रहती तो आप अपनी बहन से इस तरीके से बात करते या ऐसे बिहेव करते? आप बताइए किट्टो से क्या प्रॉब्लम है? और किट्टो के भरोसे मेरी ज़िंदगी क्या चल रही? मैं अपना कर खा रही हूँ, किट्टो अपना कर खा रही है, तो किट्टो के भरोसे कैसे हमारी ज़िंदगी चल सकती है, ये बताइए। आज हमारा गैस भी ख़त्म हो गया। मैं इधर देखिए, बाटला गैस ख़त्म हो गया। और अभी बुक कर लूँगी, नहीं तो दुकान से जीजा के मंगा लूँगी, बुक कर दूँगी, वो अपना फिर दूसरा कर देंगे। तो मैं क्या काम की, छोटा वाला बाटला मंगाइए, छोटा वाला मंगाई दुकान से, इसमें लगाई तो फिर क्या हुआ कि रेगुलेटर उसमें लग ही नहीं रहा है। तो मैं गई नीचे, अपने नीचे गई। मनीषा को आप लोग जानते होंगे, जो हमारे साथ कभी कभी दिखती थी वीडियो में, उनके घर पे मैं खाना बना के आई और उनके घर गई। मैं इधर दाल चावल डाल के चली गई, उधर बेड पे बैठी हुई थी। मैं बोली सीट ही नहीं दे रहा है। जब किचन में आ रही, देख रही दोनों गैस बंद है और चावल ख़राब हो जाता, तब आर हो गया, छोटा वाला बाटला लेके आया। और बाटला लेके आया तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, लगाते वक्त हम कहे अब तो ख़राब हो जाएगा। तो आर्यन का वेट करती, तो आर्यन 2:30 बजे स्कूल से आते क्योंकि ट्यूशन रहता है। कल मैंने अपने कान में का ये इयररिंग निकाल दिया, क्योंकि कान में ना मेरी खुजली पता नहीं क्यों हो रहा था, इसके लिए मैंने निकाल दी हूँ। और हे भोलेनाथ। तो गाइस, आप लोग हमको बताइए कि पितरपक्ष में पूजा करना चाहिए कि नहीं? अभी तो स्टार्टिंग के 3 दिन तक तो नहीं होता है, अरे 3 दिन का मान्य नहीं होता है इसमें। पितरपक्ष में लोग कहते हैं कि नए सामान नए चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। तो अभी आज का समय है, मैं अभी जा रही हूँ मार्केट के लिए, मार्केट जाऊँगी और निकलूँगी। वहाँ से मुझे क्या लेना है, जो भी लूँगी आप लोगों से शेयर करूँगी। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत भी नहीं सही लग रहा है, तो चलिए चलते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ कुछ देर के बाद। तो गाइस, आप लोग ये कह रहे कि दी एक लोग जो भी रहता है, देखिए कमेंट भी आते हैं, तो कुछ कमेंट के हम रिप्लाई देते हैं, कुछ कमेंट के नहीं। तो एक लोग का कमेंट आया था, दीदी आपका आपके रूम का रेंट कितना है? तो मैं बता देती हूँ कि मेरे रूम का रेंट 3,000 है और प्लस लाइट पानी अलग से है, सब ले दे के 4,000 रुपये पड़ता है। तो आप पूछ रहे हैं, तो अगर इस 4,000 में मुझे अच्छे जगह कहीं रूम मिलेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ दीदी, अच्छे सोसाइटी में अच्छा एरिया हो, 4,000 तक रूम मिलेगा तो आप हमें बताइए। यशवंत सिटी में भी रहेगा तो चलेगा। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज मन बहुत जैसे उदास लग रहा है, पितरपक्ष लग गया है इसके लिए क्या? और इसमें पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है आज। तो चलो इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।